दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गजब समाचार में। दोस्तों जिस तरीके से आज केकेआर और चेन्नई के बीच में रोमांचक मुकाबला हुआ, अगर वो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ये ज़रूर बताएं कि आपको आज कौन से खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई है। जी हम आपको बता दें कि आज केकेआर ने टॉस जीत कर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। इसके एवज में जब चेन्नई सुपर किंग मैदान पर अपनी बैटिंग करने उतरी तो चेन्नई सुपर किंग के दोनों ही जो ओपनर्स थे वो काफ़ी धमाकेदार अंदाज में नज़र आए, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने 42 बॉलों पर 64 रनों की पारी खेली, जिसमें उनके 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। वहीं डुप्लेसिस ने आज जबरदस्त पारी खेलते हुए 60 बॉलों पर 95 रन जड़ दिए, इसमें कि 9 चौके और 4 छक्के उनके भी शामिल हैं। वहीं बात करें आज महेंद्र सिंह धोनी की, तो धोनी भी आज मैदान पर बॉलरों की धुनाई करने के लिए आए थे, जिसमें कि वो 8 बॉलों पर 17 रन बना के गए, इसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। वहीं मोइन अली ने भी आज 12 बॉलों पर 25 रनों की एक छोटी लेकिन जबरदस्त पारी खेली। वहीं बात करें यहाँ केकेआर के बॉलर की, तो केकेआर के जो बॉलर हैं आज काफ़ी मार खा कर गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि उनकी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी आज ख़राब रही है। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि जब केकेआर चेन्नई द्वारा दिए गए इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उसकी शुरुआत बेहद ही ख़राब रही। जी हाँ, शुरू के जो 5 विकेट थे जल्दी जल्दी गिर गए। इसके बल देव हैं, हम आपको बता दें कि जब दिनेश कार्तिक और आंद्रे रसेले मैदान पर आए तो ऐसा लगा कि मैच में और भी कुछ हो सकता है, यानी कि अभी भी मैच में रोमांच आ सकता है और रोमांच आया भी। जी हाँ, इन दोनों ने ही यहाँ बड़ी ही जबरदस्त पारियाँ खेली, इसमें कि दिनेश कार्तिक ने 24 बॉलों पर 40 रन जड़ दिए, इसमें कि 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। वहीं आंद्रे रसेले ने 22 बॉलों पर 54 रन जड़ दिए, इसमें कि 3 चौके और 6 छक्के शामिल थे। जी हाँ, 245 की स्ट्राइक रेट से आज आंद्रे रसेले अपनी इस पारी को अंजाम देकर गए हैं। वहीं इसके बाद पैट कमिंस ने इस पारी को संभाला और पारी को आगे तक लेके गए। जी हम आपको बता दें कि शुरुआत के 16 ओवरों में कोलकाता ने 7 विकेट पर 176 रन बना लिए थे, इसमें कि पैट कमिंस जो है 48 पर खेल रहे थे। दोस्तों बात करते हैं एंड की 18 बॉलों की, तो एंड की 18 बॉलों पर केकेआर को जीत के लिए चाहिए थे 40 रन, जिसमें कि पैट कमिंस जो स्ट्राइक पर थे। और यहां शार्दुल ठाकुर लेकर आए थे इस ओवर को। पहली बॉल पर पैट कमिंस ने 2 रन लिए, दूसरी पर 2 रन लिए और लगातार 2 बॉल जो है डाउट रही, और इसके बाद लगातार 3 बैड बॉल डाली शार्दुल ठाकुर ने, जिसके बाद कि हम आपको बता दें कि 5वीं बॉल पर पैट कमिंस ने चौका लगा दिया और 6वीं पर सिंगल लेकर अपने पास स्ट्राइक रखी। जी हाँ, तो इस तरीके से यहाँ 12 रन इस ओवर से आए और अब जीत के लिए चाहिए थे केकेआर को 12 बॉलों पर 28 रन। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि जब सैम करन इस ओवर को लेकर आए तो पहली बॉल पर पैट कमिंस ने कोई रन नहीं लिया और दूसरी पर जबरदस्त छक्का जड़ दिया। वहीं तीसरी बॉल पर उन्होंने स्टेट की तरफ शॉट लगाया और यहां जो है वरुण चक्रवर्ती रन आउट हो गए, क्योंकि यहां उन्होंने 2 रन लेने की कोशिश की, यहां के 2 रन बनते ही नहीं थे। वहीं चौथी बॉल पर यहां पैट कमिंस कोई रन नहीं ले पाए और 5वीं पर सिंगल लेकर स्ट्राइक उन्होंने दे दी थी प्रसिद्ध कृष्णा को, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा ने कोई रन नहीं लिया। अब 20वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर की, पहली ही बॉल पर उन्होंने फिर से 2 रन लेने की कोशिश की, ये शॉट भी स्टेट पर शॉट था, जहां के प्रसिद्ध कृष्णा एक बार फिर से आउट होकर इस तरीके से चेन्नई ने इस मुकाबले को 18 रनों से जीत लिया। दोस्तों अगर आपको भी धोनी की ये जीत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।